अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एग की एक स्पेशल रेसिपी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ब्रेकफास्ट में आप इसे इजली बना सकते हैं और बहुत ही कम मसाला जाते इसमें डलते हैं। चलिए बनाते हैं। आलू, टमाटर और प्याज लिए हैं, अंडे लिए हैं 5 अदद। सबसे पहले हम अंडों को निकाल लेंगे सेपरेट, ठीक है, ताकि इनकी जल्दी स्प्रेड ना हो। एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर इसमें हम डालेंगे एक आलू लार्ज साइज का फाइन चॉप किया हुआ। इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। साथ ही हम इसमें एक प्याज डाल के इसको दोनों को फ्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक टमाटर डालेंगे, थोड़े से इसमें हम मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिए हैं और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हम जीरा शामिल कर देंगे। जीरे का बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े का बनता है। ये ऐसे लगता है जैसे पिज़्ज़ा रेडी हो गया हो, एग पिज़्ज़ा बन गया हो। और बच्चों को ज़रूर इस रेसिपी को बना के दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि इसका नीचे से ये लगे ना और ये आलू भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। इसको अच्छी तरह चारों तरफ सेट करने के बाद अंडे डाल दिए हैं, ठीक है। चारों कोनों में अंडे डाल देंगे। इसके बाद अंडे डालने के बाद इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अंडे बिल्कुल पक जाते हैं, इजीली पक जाते हैं, ठीक है। ये अंडे पक चुके हैं, इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसमें हम थोड़ी सी हर्ब्स डाल देंगे और ओरिगानो डाल देंगे। बहुत ही ओरिगानो की जबरदस्त खुशबू आती है, ऐसे लगता है जैसे पिज्ज़ा रेडी हो गया हो।